देखिए दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा किसी होटल वाले ने कस्टमर के साथ स्कैम कर दिया, जैसे रूम प्राइस स्कैम, बुकिंग स्कैम एंड द मोस्ट डेंजरस हिडन कैमरा स्कैम। पर दोस्तों, दुनिया में ऐसे महान लोग भी है जो फाइव स्टार होटल्स को ठग रहे हैं। अब दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए, आपके बैंक अकाउंट में 40 रुपए हैं, आप होटल में जाते हैं तो वहां जाके आप क्या ऑर्डर करेंगे? चाय, कॉफी या फिर कोई भी ऐसी चीज जो 40 रुपए के अंदर आती हो। लेकिन दोस्तों आप एक बार फिर से इमेजिन कीजिए, आपके अकाउंट में सिर्फ 40 रुपए हैं, आप किसी फाइव स्टार होटल में जाते हैं, वहां पे एक रूम बुक करते हैं, क्या हुआ? आप इमेजिन नहीं कर पा रहे। लेकिन दोस्तों आंध्र प्रदेश की सैमुअल ने तो ऐसा कर दिखाया, क्योंकि दोस्तों उसके अकाउंट में मात्र 40 रुपए के आसपास थे, फिर भी वो दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में गई, वहां पे 15 दिन तक रही, 6 लाख का बिल बनाया और बिना बिल भरे वहां से फरार हो गई। अब दोस्तों ये तो सिर्फ 6 लाख का मामला है, लेकिन एक भाई साहब ने तो होटल में ऑलमोस्ट 2 साल रहकर 58 लाख का बिल बनाया और फिर एक दिन वहां से बिना बिल भरे निकल गया। लेकिन दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो छुप छुपा कर नहीं भागा, बल्कि आराम से होटल वालों के सामने से निकल गया और होटल वाले उसे कुछ कह भी नहीं पाए। अब दोस्तों ये स्कैम था या फिर कोई ट्रिक, ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन उस आदमी के जाने के 2 साल के बाद होटल वालों को एक ऐसी बात पता चली जिसकी वजह से आज तक वो होटल वाले, पुलिस और मीडिया वाले भी उस मास्टरमाइंड को ढूंढ रहे हैं। सो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी स्टोरीज के बारे में बताऊंगा जिससे आपको ये पता चलेगा कैसे कॉमन आदमी भी फाइव स्टार होटल्स के साथ स्कैम करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको दिल से थैंक्स बोल सकूं। कहानी की शुरुआत होती है 2019 से। देखिए, दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल में एक फाइव स्टार होटल है, रोजिएट हाउस। इस होटल में आसाम गुवाहाटी का एक लड़का जिसका नाम था अंकुश दत्ता, एक रात के लिए आता है, रिसेप्शन पे सभी फॉर्मेलिटीज को पूरी करता है, उसके बाद में अंकुश को अलॉट होता है रूम नंबर 437। अब दोस्तों उसने रिसेप्शन पे जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग उसको अगले दिन ही सुबह होटल से चेकआउट करना था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से वो अपने स्टे को एक्सटेंड कर लेता है। लेकिन दोस्तों होटल ने वो जो रूम था किसी दूसरे गेस्ट को अगले दिन के लिए अलॉट किया था, इसलिए अंकुश को रूम नंबर 437 से दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाता है जो कि था 508। और दोस्तों यहां से शुरू होता है उसका मास्टर प्लान। देखिए 508 में शिफ्ट होने के बाद में करीब 289 डेज तक अंकुश उस रूम में रहता है। उसने होटल की सारी फैसिलिटीज यूज की, फिर चाहे रहना हो, खाना हो, स्पा, जिम, लॉन्ड्री, पूल, सारी फैसिलिटीज को उसने भरपूर यूज किया। लेकिन दोस्तों हर एक होटल की कुछ पॉलिसीज होती है, एक लिमिटेड पीरियड के बाद में वो कस्टमर को रूम खाली करने के लिए कहते ही है, और अंकुश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 289 डेज तक एक ही कमरे में रहने के बाद में अंकुश को रूम से चेकआउट करने के लिए कह दिया गया। बट दोस्तों वियर्ड थिंग इज, उस रूम से निकलने के बाद में उसने उसी होटल में एक और रूम लिया और अगले 313 दिन तक उस होटल में रहकर अचानक 22 जनवरी को होटल से बिना कुछ पे किए हुए निकल गया। यानी कि दोस्तों अंकुश टोटल 603 दिन तक सेम होटल में 3 अलग अलग कमरों में रहा, वहां की सारी फैसिलिटीज को यूज किया। इनफैक्ट उसने कुछ दिनों के लिए अपने पिताजी को भी होटल में बुलाया था और साथ में रहा करते थे, फिर एक दिन बिना कुछ पे किए हुए वहां से चला गया। अब दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि होटल में काम करने वालों को पता ही नहीं चला कि अंकुश बिना पैसे दिए हुए वहां से जा रहा है। लेकिन इस इंसिडेंट के 2 साल बाद होटल मैनेजर विनोद मल्होत्रा को 58 लाख रुपए का मिसकैलकुलेशन नजर आता है और यहां से शुरुआत होती है असली खेल की। अब दोस्तों यहां पे सोचने वाली बात तो ये है कि एक इंसान ऑलमोस्ट 2 साल तक होटल में फ्री में रहता है, वो भी कोई नॉर्मल होटल में नहीं, यानी कि 2 स्टार या 3 स्टार होटल नहीं, बल्कि 5 स्टार होटल में जहां की पॉलिसीज काफी स्ट्रिक्ट होती है, तो फिर अंकुश ने ये सब किया कैसे? सो देखिए ये पॉसिबल हो पाया होटल के रिसेप्शनिस्ट की वजह से, जिसका नाम था प्रेम प्रकाश। देखिए दोस्तों प्रेम प्रकाश को अंकुश ने पहली रात को ही पैसे देके खरीद लिया था। दोस्तों प्रेम प्रकाश ही वो इंसान था जिसने अंकुश को अलग अलग रूम में शिफ्ट किया और फिर वो क्या करता था, होटल का जो डेटाबेस होता है उसको चेंज कर देता था, जिससे अंकुश कभी भी पकड़ा नहीं गया। अब कैसे? तो देखो हर एक होटल का अपना एक पर्सनल सिस्टम होता है जिसमें वो होटल में आने वाले कस्टमर्स का नाम, नंबर, आईडी प्रूफ, बिल, ये सारी चीजें स्टोर करते हैं ताकि होटल के पास हर एक कस्टमर का डेटा रह सके। अब दोस्तों इसी प्रकार रोजिएट हाउस होटल का भी अपना एक ऑपरेशनल सिस्टम है जिसे ओपेरा सिस्टम कहते हैं। अब ओपेरा सिस्टम की सबसे खास बात क्या थी, अगर कोई भी गेस्ट 72 घंटों में बिल क्लियर नहीं करता है तो स्क्रीन के ऊपर एक ओवरड्यू का अलर्ट आता है या फिर आप कह सकते हैं नोटिफिकेशन आता है। अब दोस्तों ये जो सिस्टम था इसका एक्सेस मैनेजर के साथ साथ प्रेम प्रकाश के पास भी था, इसीलिए जब भी कभी अलर्ट का मैसेज आता था तो प्रेम प्रकाश उसे रिजॉल्व कर देता। प्लस दोस्तों जब भी किसी गेस्ट का बिल 50,000 से ज्यादा हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट मैनेजर तक पहुंचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी रिसेप्शनिस्ट की होती है, ताकि मैनेजर कस्टमर से बिल को क्लियर करवा सके। लेकिन दोस्तों इस बात को भी प्रेम प्रकाश ने बड़ी सफाई से टाल दिया और इसी तरीके से अंकुश की रिपोर्ट कभी भी ऊपर तक पहुंची नहीं।
और अंकुश 5-स्टार होटल के मजे लेता रहा। लेकिन दोस्तों फॉर्चुनेटली एक बार 5 महीने के बाद में मैनेजर को इस बात की भनक लग गई कि अंकुश का 2,44,990 रुपए का बिल अभी भरना बाकी है। सो उसे भरने के लिए मैनेजर ने वार्निंग भी दी। अब दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो इस वक्त अंकुश की धोखाधड़ी को रोका जा सकता था, पर एक बार फिर से प्रेम प्रकाश ने अंकुश के सभी डेटा को क्लियर कर दिया। उसने बाकी के गेस्ट के बिल को दिखाकर मैनेजर के सामने ये साबित किया कि अंकुश ने सभी पेमेंट्स को क्लियर कर दिया है और इसके बाद में ये छोटी सी दिखने वाली धोखाधड़ी एक बड़े स्कैम का रूप ले लेती है। अब देखिए दोस्तों, अंकुश जब होटल में रह रहा था तो महंगी महंगी चीजें खाया करता था, बड़ी बड़ी फैसिलिटीज का इस्तेमाल करता था और इसका जो बिल होता था वो प्रेम प्रकाश किसी और कस्टमर के बिल में जोड़ देता था। अब क्योंकि 5-स्टार होटल में जो लोग आते हैं वो सब अमीर होते हैं, वो ज्यादातर बिल को चेक भी नहीं करते और ऐसे में अंकुश ने बड़ी से 58 लाख का बिल बनाया था। अब दोस्तों ऐसा नहीं था कि अंकुश ने कभी पैसा देने की कोशिश नहीं की, उसने 10 लाख 7 लाख और 20 लाख ऐसे कई सारे चेक दिए थे, लेकिन वो सारे के सारे चेक बाउंस हो गए और ये बात प्रेम प्रकाश ने कभी भी मैनेजर को बताई ही नहीं। इनफैक्ट उसने अंकुश के सभी बिल को छुपा दिया और फिर अंकुश के साथ मिलकर ओपेरा सिस्टम को हाईजैक किया और अंकुश की पूरी डिटेल्स वहां से डिलीट कर दी। और दोस्तों इसी तरह अंकुश सबसे बचते बचाते 58 लाख का स्कैम करके गायब हो गया। फिलहाल प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया और अंकुश की तलाश आज भी जारी है। सो दोस्तों ये था दिल्ली का सबसे बड़ा होटल स्कैम, बट सिर्फ ये इकलौता स्कैम नहीं है। सेम ईयर यानी कि 2023 में ही दिल्ली के एक और 5-स्टार होटल द लीला पैलेस में एक इंसान ने 23 लाख का स्कैम किया और वहां से भाग गया। देखिए 1 अगस्त 2023 को मोहम्मद शरीफ नाम का एक इंसान द लीला पैलेस होटल में गया और फिर वहां के एक स्टाफ को यकीन दिलाया कि वो यूएई में रहता है और आबू धाबी की जो रॉयल फैमिली है उसके मेंबर के लिए काम करता है और उनके ऑफिशियल काम से वो इंडिया आया हुआ है। फिर वो अपना बिजनेस कार्ड, यूएई रेसिडेंट कार्ड और बाकी के गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स रिसेप्शन पे जमा करके होटल के रूम नंबर 427 में रहने लगता है। अब देखिए दोस्तों अपनी इस झूठी स्टोरी को बेचने के लिए वो हर दिन वहां के स्टाफ को यूएई की अलग अलग स्टोरीज बताता, रॉयल फैमिली के एक्सपीरियंस को शेयर करता और वो ये चीज इतनी सफाई से करता कि वहां के स्टाफ को उसकी झूठी कहानी सच लगने लगती। अपने झूठ को छुपाने के लिए उसने 11.5 लाख रुपए का चेक भी दिया था। फिर ऐसे ही 3 महीने बीत गए और एक दिन अचानक से 23 लाख का बिल बनाकर होटल से गायब हो गया। अब दोस्तों ऐसा नहीं था कि उसने पैसे नहीं दिए थे, जिस दिन वो होटल से भाग रहा था उसने 20 लाख का चेक दिया था पर उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे इसलिए चेक बाउंस हो गया। और जब इंक्वायरी करने के लिए उसके कमरे में गए तो स्टाफ तो एकदम शॉक हो गए क्योंकि कमरे में उसका सामान तो था ही नहीं, साथ ही साथ में कमरे में जो होटल की बाकी चीजें थी वो भी गायब थी, जैसे कि चांदी के बर्तन, पर्ल ट्रे वगैरह वगैरह। अब दोस्तों ये सब देखकर उसकी कंप्लेंट जब की गई तब पता चला कि उसने यूएई के बारे में जो कुछ भी बताया था वो सब कुछ झूठ था, यहां तक कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे भी नकली थे। लेकिन दोस्तों लकीली ये स्कैमर पकड़ा गया और जो बचा कुचा अमाउंट था वो उसको भरने के लिए कहा गया और उसके बाद में उसको जेल के अंदर डाल दिया गया। पर दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद में भी दिल्ली के जो होटल्स हैं उन्होंने इन स्कैम्स को रोकने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया ताकि फ्यूचर में ऐसा वापस ना हो सके, क्योंकि रिसेंटली 2024 में भी एक लड़की होटल के 6 लाख रुपए डुबा के भाग गई। एक्चुअली आंध्र प्रदेश की झांसी रानी सैमुअल ने दिल्ली के पुलमैन होटल में 15 दिन के लिए रूम बुक किया और दोस्तों जब वो अपने 15 दिन के ट्रिप पे थी तो उसने ईशा दवे नाम से फेक आईडी कार्ड बनाकर होटल की स्पा फैसिलिटी को यूज किया और 2,11,000 का बिल बना दिया और टोटल 6 लाख का बिल बनाकर वहां से भाग गई। अब आप सोच रहे होंगे उसे पकड़ा क्यों नहीं गया, क्योंकि दोस्तों वो हर बार पेमेंट करती थी। देखिए यूपीआई के थ्रू वो स्कैन करके पेमेंट करती थी और कंफर्मेशन का प्रूफ भी दिखाती थी, लेकिन जो प्रूफ होता था वो एडिट किया हुआ होता था। और दोस्तों ये बात तब सामने आई जब होटल के स्टाफ ने नोटिस किया कि पेमेंट तो हो रहा है लेकिन पेमेंट होटल के अकाउंट में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों तब तक सैमुअल 6 लाख का बिल बनाकर होटल से चेकआउट करके भाग चुकी थी। पर दोस्तों जब इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि सैमुअल के अकाउंट में मात्र 41 रुपए थे और जब उसको पकड़ा गया तो उसने बताया कि वो न्यूयॉर्क में रहती थी और एक डॉक्टर थी। पर दोस्तों पुलिस का मानना है कि वो झूठ बोल रही है और अभी भी पुलिस उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है। यानी कि दोस्तों ऑल इन ऑल हम देख सकते हैं कि होटल्स में फ्रॉड काफी बढ़ते जा रहे हैं और ये तभी रुक सकते हैं जब होटल का स्टाफ, मैनेजर इस स्कैम को रोकने के लिए कोई एक्शन ले। फर्स्टली जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक होटल का खुद का एक सॉफ्टवेयर होता है तो उसे रेगुलर बेसिस पे चेक करना चाहिए। अब देखिए रेगुलर बेसिस पे चेक किया जाएगा तो स्कैम होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। सेकेंडली जितने भी गेस्ट होटल में आते हैं वो जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उनको एक बार कंफर्म करना चाहिए वो सच में रियल है, ऑथेंटिक है या नहीं। अगर कुछ भी डाउट होता है तो उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। थर्डली ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करने के लिए फ्रॉड डिटेक्शन सॉफ्टवेयर और साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग भी बनाना चाहिए। एंड लास्टली जो स्टाफ को हायर किया जाता है उनका बैकग्राउंड तो सबसे पहले चेक करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारी पहली स्टोरी के अंदर जो पूरा स्कैम हुआ था वो स्टाफ की वजह से ही हो पाया था। सो दोस्तों अगर होटल इन सारी चीजों पे ध्यान रखे तो समय रहते ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सा गेस्ट जेन्युइन है और कौन सा स्कैमर है। और हाँ दोस्तों फ्रॉड रोकने के लिए हम भी सपोर्ट कर सकते हैं, हमें हमेशा ये मेक श्योर करना चाहिए कि हमें जो भी बिल मिल रहा है वो सही है या नहीं है,
चाहे हम कितने भी अमीर क्यों ना हो। और दोस्तों सिर्फ होटल्स ही नहीं, हम जब भी शॉपिंग करने जाते हैं चाहे कपड़ों के लिए या खाने की चीज़ों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, वहाँ पे भी हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो हमको लीगल तरीके से बेवकूफ़ बनाती है और हमको पता भी नहीं चलता। उन कंपनीज के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो स्क्रीन के ऊपर आप क्लिक करके उस वीडियो को भी एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।